जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली रज़ा व्लॉग्स। जी तो दोस्तों, ये सूखा केला आज बाहर ही था, बाकी ये बर्तन लेके आऊँ जिसमें दाना पानी करते हैं ना गुदरों को पिंजरे में डाल के, ये लेके आऊँ। तीन ये हैं, बाकी ये पानी के लिए तीन रखे हैं, बाकी जो तीन है ना उनमें दाना डाल दिया, वो दीवार पर पड़े हैं। ये देखें, दो मिनट दाना डाल दिया, एक अंदर अभी पड़ा हुआ है ममटी के अंदर, तो अभी इनको बाहर निकालता हूँ। बाकी जो पिंजरे परिंदे जो है ना पिंजरे के अंदर होंगे ना, उनको अंदर ही दाना डाल देना, बस बाहर निकालना ही नहीं करना। इस तरह ये दो एक जोड़ा ना, इसको भी अंदर ही दाना पानी करना है। एक ये जोड़ा, इसको भी अंदर ही दाना पानी करना है। बाकी को मैं ना आस्ता आस्ता बाहर निकाल दूंगा, बाकी को बाहर ही दाना पानी करना है। अब इनको ना खोलता हूँ, खोल के जो है ना ये बाहर ना आ जाए, बाकी खैर है चलो अंदर ही दाना खाओ। ये अंदर डाल दिया दोस्तों उनका दाना, बाकी जो पानी वगैरह होगा वो बाहर आके पियेंगे ये, ताकि जो है ना दाना ये पेड़ भर के खाएं बस। इनके आगे इनसे जोड़े हैं ये, इनसे आगे ब्रीड लेनी है, अच्छी डाइट दूंगा इनको तो अच्छी ब्रीड दूंगा। इधर भी खाने में लगे हैं, ये भी खा रहे हैं बस। बाकियों को मैं जो है ना दाना बाहर डाल देता हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेगा, जो भाई चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा, क्योंकि आदत बनाऊंगा ना अंदर खाने में, क्योंकि दो जोड़े हैं और तो फिर इंशाल्लाह से ये अंदर ही खाएं करेंगे। बाकी को बाहर निकाल के दाना पानी कर दिया करूँगा, बाहर निकल के देखें इसके काम ही ये होते हैं। दाना सबको पेड़ भर के मिलता है, वो कसूर यार वो अंदर चला गया, बाहर निकल के दाना खा ले चल बाहर। दोस्तों आज पूरे सेटअप की सफाई भी की है आपके भाई ने, ये देखिए माशाल्लाह से ये शीट बाहर निकाल के इसको वॉश किया अच्छे तरीके से, ये नीट एंड क्लीन हो गया सारा नीचे से, ये माशाल्लाह दाना एंड हो रहा है पे आ गया, इनका भी दाना तकरीबन एंड हो गया। बाकी पानी इनको इकट्ठा डाल दिया करूँगा बाहर निकाल के ना, तो लिहाजा इसलिए डाल रहा हूँ कि ना ये पेट भर के खाएंगे ना, तो ये जोड़े वाले हैं ये अच्छी ब्रीड भी देंगे आगे। अभी थोड़ा दाना इनको और डाल देता हूँ, बाकी जैसे जैसे बच्चे आएंगे इनके तब इनको जो है ना इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि ये पेड़ भर के खा लिया करेंगे और आगे इंशाल्लाह ये ब्रीड भी अच्छे करेंगे। बाकी इनको इधर दाना डाल दी, इजी हो गई भी खा रहे हैं। चाह तो ऑलरेडी दोस्तों दो तीन दिन पहले साफ कर दी हुई थी, अब सेटअप भी सफाई हो गई, इजी हो गया। बस दोस्तों ये है कि एक ब्रीड आने की देर है ना, उसके बाद ना ये वो जो बिट्ठे पड़ी है ना अंदर, ये आपको भाई आपको पता है जब एक ब्रीड आ जाती है ना पूरी पराली उठाता हूँ, ये सारा जो है ना तोड़ा नीचे उठा के इसको VIP करके सफाई करता हूँ इसकी। देखिए माशाल्लाह कैसे मस्तियाँ कर रहे हैं, ये मादी आपको पता थोड़ी ना वीक हुई थी, अब इसको दाना पानी लादा से इसलिए कर रहा हूँ कि ये अच्छा दाना पानी खाएंगे इजी हो के, तो इसकी माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड करेंगे फिर आगे ना। अब तो दाना डाल दिया इनका ना, खुटा खोल दूँ फिर थोड़ी देर तक ना ये थोड़ा बाहर से भी दाना खा लें, कैसे ठापे मार रहे हैं।
वादी अंदर ही रह गई है, इसके पार कटे हुए हैं ना। बस ये है कि इससे आप ब्रीड ही ले लेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं है ना गर्मियों में इसके पार दोबारा इसको ना लैस करवा दूंगा, क्योंकि गर्मियों में परिंदा उड़ता हुआ अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये देखें दोस्तों सूरज अभी भी सही चमक रहा है। ये कपड़े धुले हुए ऊपर डाले हुए हैं, कुछ उतार लिए थे मैंने, मैं दाना पानी डालना होता है फिर ना मसला मसाइल होता है। बाकी दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।